डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। एज वी हैव स्टडीड दैट इफ देयर आर टू पॉइंट चार्जेज Q1 and Q2 separated by distance r, then electrostatic force between these two charges is given by 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square, right? And this is the case when these two charges Q1 and Q2 are placed in vacuum or in air. ठीक है, since air is present in between these two charges, तो just I am taking this force as a FA. Now let the same charges Q1 and Q2, which are at a distance r, is placed in a medium. इस पूरे सिस्टम को उठा करके हमने किसी एक मीडियम में रख दिया, वाटर में रख दिया, ऑयल में रख दिया। अब फोर्स कितना लगेगा? ठीक है, नाउ जस्ट वी आर कमिंग हियर इन दिस रिलेशन एफ ए इक्वल टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मीडियम चेंज कर दिया, ये तो कांस्टेंट है, मीडियम के चेंज होने से कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा। Q1 यहाँ भी Q1 है, यहाँ भी Q1 है, Q1 भी चेंज नहीं होगा। मीडियम चेंज होने से Q2 भी हमने सेम रखा है, R भी सेम रखा है। इसका मतलब इस फॉर्मूले से फोर्स में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन प्रैक्टिकली तो फोर्स कम हो रहा था, अगर चार्ज एयर में था तो फोर्स मैक्सिमम था, हमने डिफरेंट मीडियम में रखा तो फोर्स चेंज हुआ, एयर से कम हुआ। इट मीन्स दैट वी रिक्वायर्ड सम मॉडिफिकेशन इन दिस रिलेशन। ठीक, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन अ मीडियम इज गिवन एज 1/4 pi epsilon Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, दिस इज एप्साइलन, ये एप्साइलन है, एंड ये क्या डिनोट करता है? इट डिनोट्स परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम। क्या कहते हैं एप्साइलन को? दिस इज परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ द गिवेन मीडियम। ठीक है, अब एक्चुअली परमिटिविटी होता क्या है? परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। ये फैक्टर जो है, ये जो फैक्टर है डिसाइड करता है कि दो किसी मीडियम में दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगा, इसकी वैल्यू कम है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम डिसाइड्स दैट हाउ मच फोर्स विल एक्ट इन द गिवन मीडियम। ठीक है, अब हम क्या करें? जस्ट सिंपली एफ एयर और एफ मीडियम को डिवाइड करते हैं। यहाँ एफ एयर जब आप एफ वैक्यूम भी ले सकते हैं, तो हमने कंसीडर किया है कि दोनों चार्जेज एयर में हैं या वैक्यूम में हैं, तो कंडीशन सेम है। तो एफ ए अपॉन एफ एम इक्वल टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 pi एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन सॉरी
आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू वन एंड क्यू टू, ठीक, फोर पाई दिस एंड दिस कैंसिल, क्यू वन क्यू टू बाई क्यू वन से ये कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, दिस एफ ए अपॉन एफ एम इक्वल टू एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट, ठीक है, एफ ए अपॉन एफ एम इक्वल टू एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट, द रेशियो ऑफ एप्साइलन एंड एप्साइलन नॉट, द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम दैट इज एप्साइलन टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस दैट इज एप्साइलन नॉट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट के रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग, रिलेटिव परमिटिविटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय एप्साइलन आर, एंड दिस एप्साइलन आर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, दैट इज एफ एयर अपॉन एफ मीडियम इक्वल टू एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट इक्वल टू के, एंड दिस के इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, हम के को फोर्स के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं और परमिटिविटी के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक, फ्रॉम हेयर व्हाट वी विल गेट, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम इक्वल टू के, तो एफ मीडियम इक्वल टू एफ एयर अपॉन के, ठीक, के फॉर वैक्यूम, फॉर वैक्यूम कितना होगा वन, फॉर एयर इट इज 1.0054, फॉर वाटर इट इज 80. What does it mean? It means that if there are two charges, Q1 and Q2, in air and distance between them is R, let the force between these two charges is F. And if same system, ये दोनों ही charge जो R distance पे हैं, water के अंदर रख दें, then the new force between these two charges at the same distance will be force in air divided by 80. Force जो है वो reduce हो जाएगा, क्यों, क्योंकि we have derived that the force between two charges in a medium equal to force between two charges in air divided by dielectric constant of the मीडियम, ठीक, कभी कभी एग्जाम में आता है वन मार्क्स क्वेश्चन में, इन कूलम्स लॉ और इन कूलम्स एक्सप्रेशन विच फोर्सेज चेंजेज विद चेंज इन मीडियम, तो कूलम्स लॉ के फॉर्मूले में कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो मीडियम के साथ चेंज होता है, तो इफ़ यू आर गोइंग टू राइट 1/4 πε₀ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तब तो इसका आंसर मिलना नामुमकिन है, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज ओनली ट्रू फॉर द मीडियम एयर और वैक्यूम, ठीक है, ये फार्मूला तभी तक ट्रू है जब दो चार्जेज एयर में हैं, द जनरल फार्मूला ऑफ कूलम्स लॉ कैन बी रिटन एज द 1/4 πε₀ Q1 Q2 r² एंड एप्साइलन इक्वल टू एप्साइलन नॉट के, हम लोगों ने यहाँ से डिराइव कर सकते हैं,
कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के, तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, तो एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कूलम्स लॉ, कूलम फोर्सेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज बिटवीन टू चार्जेज व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, इन द वैक्यूम और मीडियम। अगर वैक्यूम में रखा है तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब मैं फिर वही क्वेश्चन में आता हूँ कि इफ यू आर चेंजिंग द मीडियम विच फिजिकल क्वांटिटी विल चेंज विथ चेंज इन मीडियम इन कूलम्स फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। जब आप मीडियम चेंज करोगे तो ये सारी चीज़ें तो कांस्टेंट हो जाएगी, ये इसको आपने चेंज ही नहीं किया है। ये जो के है, के विल चेंज विद मीडियम, के जो है मीडियम के साथ चेंज होता रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।